Hello guys, welcome back to my channel. My name is Yashna Bhardwaj. Please subscribe if you haven't, and if you are coming to my channel for the first time, I am Yashna Bhardwaj. I make fashion related, lifestyle related videos, fun vlogs, food and all that sort of videos, haul videos. So yeah, subscribe to my channel for that. जल्दी में अगर कुछ भी करवाना होता है, हेयर कट करवाना होता है या कुछ भी एज इन फेशियल या आईब्रोज, तो मेरे सामने ही घर के एक पार्लर है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। अभी जो आपको बाल दिख रहे हैं वो स्ट्रेट कट है। मैंने इसके पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, जो एक लेयर कट था, उसके बाद मैंने स्ट्रेट कट करवा लिया था क्योंकि मुझे लेंथ थोड़ा कम चाहिए था एंड मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए थे, सो दैट व्हेन यू स्ट्रेटन योर हेयर तो थोड़ा शीक लगे, ट्रेंडी लगे। बाल बढ़ गए हैं, अभी मैं कटिंग करवाने के लिए आई हूँ एंड होपफुली मेरे अच्छे लगे बाल। धीरे धीरे क्या होता है, जब स्ट्रेट कट होता है तो बाल बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं, सामने से कुछ फ्लिक्स नहीं होते हैं, बाउंसी नहीं होते हैं, हेयर वॉल्यूम कम हो जाता है। तो मेरे बाल एक तो सिल्की भी हैं तो वो ज़्यादा ही फ्लैट पड़ जाते हैं बीच बीच में, सो यू विल नीड टू लाइक कर्ल योर हेयर फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो इसके बाद मैं जाके लेयर कट करवा लेती हूँ। अभी भी मैं वही कर रही हूँ, बट मुझे बस ये डर है कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए, बिकॉज अभी जो लेंथ है वो भी शॉर्ट ही है, जिसमें अगर लेयर कट करने जाएं तो आई थिंक और ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। तो मुझे वही डर है, मुझे बिल्कुल मेरे बाल शॉर्ट नहीं चाहिए। मैं आंटी से भी यही बोल रही थी बार बार कि बाल बस शॉर्ट मत करो मेरे, जितने भी है थोड़ा सा बिट टू बिट कट करो एंड लेयर्स जो भी है आप अपने हिसाब से कर दो, बट लेंथ कम नहीं होना चाहिए। पर वो एक इल्यूजन होता है ना, आगे के बाल अगर छोटे होते हैं तो ऐसे लगता है कि बाल छोटे ही है चाहे कितना भी लेंथ पीछे से लंबा हो। अभी तक तो वो जितना कट कर रही थी मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है हो जाएगा, बट देन धीरे धीरे करके जब ब्लो ड्राई होने लगा तो मेरे को वो थोड़ा नर्वसनेस वाला फीलिंग आने लगा, अरे ये तो छोटे लग रहे हैं, अरे ये छोटे हो रहे हैं, अरे। नेवरदलेस जो पर्पस था लेयर्स का वो तो दिखाई दे रहा था, अभी आप देखेंगे जब वो ड्राई होकर आएगा तो कितना प्यारा वेव्स आने वाला है यहाँ पर, जैसे कि ये हाउ प्यारा। ठीक है, आई मीन ये देख के तो खुशी हो रही थी, अभी तक भी लंबे लग रहे थे, बट आगे के बाल जो ऊपर के बाल जब नीचे जाते हैं ना, वो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था मैं तेरे नाम वाली सलमान लग रही हूँ। आई मीन आई कैन नॉट फॉर सम टाइम ओपन माई हेयर। तो ये था हमारा फाइनल लुक विद द ब्लो ड्राई एंड एवरीथिंग। मुझे ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, विच आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ टाइम तक मैं बाल बांध के ही रखने वाली हूँ। बालों को एक्चुअली खुले रखने पर बहुत ज़्यादा बाउंस फील हो रहा है एंड उसकी वजह से एक्चुअली मेरा फेस थोड़ा चबी हो चुका है अभी, तो और ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। बट ओके, आई मीन सेट किया तो अच्छा ही लग रहा है, और एल्स ऐसे बंद करने के बाद में तो नॉर्मल ही लगता है। सो मैं बहुत टाइम तक आई थिंक ऐसा हेयर स्टाइल रखने वाली हूँ, आइदर मैं इसको क्या करूँगी, स्ट्रेटनिंग कर दूँगी। तो ये है नेचुरल लुक बाद में, लास्ट में बाहर जाके बाहर की लाइटिंग में एंड ऑल, वहाँ तो थोड़ी अच्छी लाइटिंग होती है पार्लर्स एंड ऑल में, बाहर जाके ये नॉर्मली ऐसे लग रहा था एंड या सो दिस वाज इट, आई काइंड ऑफ लाइक इट एंड नो आई डोंट नो। ये आपका होगा बिफोर एंड आफ्टर, सो दिस इज़ लाइक बिफोर, पहले क्या था एंड नाउ दिस इज़ आफ्टर। ऑफकोर्स थोड़ा बाउंस दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, यू टेल मी, कॉमेंट डाउन और बताइए कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया। आई विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोज लाइक एवरी वीक, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम याचना भारद्वाज, साइनिंग ऑफ।